हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे 3 अगस्त के इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ। और लास्ट में मैं आपसे 2 क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट इतिहास में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा इंग्लैंड। और इंग्लैंड टीम ने अपना 1000वां टेस्ट मैच भारत के साथ खेला है। और सर्वाधिक टेस्ट खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया 812 टेस्ट मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट प्रणाली आभार आपकी सेवाओं का और ई पेंशन मोबाइल ऐप, वेबसाइट और शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। और इससे पेंशन भोगियों को ऑनलाइन पेंशन और भुगतान से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी और पेंशन से जुड़े हर कार्य यहाँ ऑनलाइन किए जाएंगे और इससे रिटायर होने के बाद अधिकारी कर्मचारियों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ ई पेंशन यानी इलेक्ट्रॉनिक पेंशन प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आता है, जैसे ई पेंशन प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। जब भी किसी स्टेट का नाम आता है तो उसका मैप आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, यानी उसकी पोजीशन इंडिया में कहां पर है और साथ ही उसके मुख्यमंत्री का नाम, उसकी राजधानी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब छत्तीसगढ़ की बात आई तो आप मैप में देख रहे हो हाईलाइट किया हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ था और इसके मुख्यमंत्री है रमन सिंह और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो इसमें आंसर आएगा हरिनंद राय को। सेल, कई बार आपसे सेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या भारतीय इस्पात प्राधिकरण। नेक्स्ट आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के रूप में 19 जनवरी 1954 को की गई थी और इसका पहला प्लांट था राउरकेला में जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। और फिलहाल ये भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा का, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड, बुरकपुन इसको इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, इन सभी को मैनेज करता है। आपसे क्वेश्चनों में कई बार पूछ लिया जाता है जैसे भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऐसे ही आपको ये सभी इस्पात कारखाने और इनके स्टेट के नाम याद रखने हैं। और नेक्स्ट आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलहाल केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री है चौधरी बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसमें आंसर आएगा राजस्थान राज्य। केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट आता है, जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति क्या है? इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा जो खराब हुआ अनाज है जैसे गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू आदि का उपयोग करके इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। जब किसानों का अतिरिक्त उत्पादन होता है तो उन्हें ठीक से उसका उचित दाम नहीं मिल पाता और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल का उत्पादन के लिए अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल को अनुमति दे दी गई है और इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर उसे एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किसानों को उनके अधिशेष उत्पादन का आर्थिक लाभ प्रदान करने
और देश के तेल आयात निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा अगस्त माह में कुल 650 नई शाखाएं खोलने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक ये एक विशेष प्रकार के बैंक है जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप करने की अनुमति है, जैसे कि ये बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु उन्हें लोन नहीं दे सकते, और इसका उद्देश्य है लघु बचत खाते उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आता है भारतीय डाक भुगतान बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय डाक भुगतान बैंक भारत सरकार की एक कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय डाक को पेमेंट बैंक का व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस दिया है और भारत का यह दूसरा भुगतान बैंक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं होती है? यह बैंक एक व्यक्ति को या एक कारोबार इकाई से केवल 1 लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है और बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा, और केंद्रीकृत व निजी बैंक की तरह डेबिट व क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, सभी प्रकार के बिल और टैक्स कलेक्शन व मनी ट्रांसफर आदि की सुविधाएं भी पेमेंट बैंक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस भर्ती बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने में इससे मदद मिलेगी। और इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री है श्री राधा मोहन सिंह, ये आपको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा SC ST एक्ट में। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता है, और यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है और यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह अदालतों को स्थापित करता है और जिससे मामले तेजी से निपट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी के साथ, और इस समझौते में शहरी विकास पर प्रमुखता से जोर दिया गया है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का समेत पूरा चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी वाला कानून 1 अगस्त 2018 से लागू हो गया? तो इसमें आंसर आएगा डेनमार्क में। इसका मतलब है अगर कोई भी सार्वजनिक तौर पर चेहरे को ढकने वाला कपड़ा पहनेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और पहली बार इसका उल्लंघन करने पर 10,700 रुपये और दोबारा करने पर लगभग 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2018 को कितने सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसमें आंसर आएगा 5 सांसदों को, और ये हैं 2013 के लिए डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो राज्यसभा के सदस्य हैं, 2014 के लिए हुकमदेव नारायण यादव जो लोकसभा के सदस्य हैं, 2015 के लिए गुलाब नबी आज़ाद जो राज्यसभा के सदस्य हैं, 2016 के लिए दिनेश त्रिवेदी जो लोकसभा के सदस्य हैं, और 2017 के लिए श्री भृतहरी मेहताब जो लोकसभा के सदस्य हैं, और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 1995 में शुरू किए गए थे, और पहला पुरस्कार समाजवादी जनता पार्टी के नेता के चंद्रशेखर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी बीमा कंपनी LIC को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा IDBI बैंक में, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा दीपक उप्रेती को, और दीपक 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीईएमएल के खनन उपकरण निर्माण हेतु किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के साथ, बीईएमएल यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरबीसी कैनेडियन ओपन गोल्फ का खिताब जीत लिया है? तो इसमें आंसर आएगा यह खिताब जीता है डस्टिन जॉनसन ने। डस्टिन जॉनसन एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में 8 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें आंसर आएगा 6.7% की। सीमेंट, रिफाइनरी और कोल सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की वजह से ओवरऑल ग्रोथ रेट में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। ये 8 सेक्टर हैं, सीमेंट, रिफाइनरी, कोल, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहीदों के सम्मान के लिए शहीद सम्मान दिवस मनाएगा? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस मनाएगा, और इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और शहीदों के रिश्तेदारों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच किस योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसमें आंसर आएगा आयुष्मान भारत मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीन से आयातित किस उत्पाद पर 25% सुरक्षात्मक शुल्क लगाया है? तो इसमें आंसर आएगा सोलर पैनल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीन राज्य निम्नलिखित देश में से कहाँ है? तो इसमें आंसर आएगा राखीन राज्य म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पहला भारत नेपाल थिंक टैंक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए काठमांडू में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक पारित कर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट के तहत रूसी रक्षा उपकरणों की खरीदारी पर किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधानों में ढील दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा भारत के लिए। आपके लिए पहला क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समाज कल्याण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को बैंक खातों के साथ जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया है? आपके ऑप्शंस है पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, असम सरकार और केरल सरकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी और स्पेनिश वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की है? आपके ऑप्शंस है स्कूटोइड, ओवल, क्रॉस और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।